वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, जो अभी हम सब जानते हैं कुछ आने वाले महीनों में लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसे हमारी गवर्नमेंट डिसाइड होगी। तो उसका जो प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे लोकसभा के अंदर मेंबर्स आते हैं, कहां कहां से आते हैं, किस स्टेट से कितने आते हैं और उनके आर्टिकल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया जो है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपने इंडिया के अंदर, और रूल किया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बनाया है उसके द्वारा, और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा हम जानते हैं। तो जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट्स के पास है, 28 स्टेट्स हैं, पावर इन दोनों में डिवाइडेड है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा जो है, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, आर्टिकल हैं, अमेंडमेंट आते रहते हैं, जो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न है उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं और लोअर हाउस भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। और इंडिया का एक बाइकैमरल पार्लियामेंट हाउस है। बाइकैमरल का मतलब होता है कि दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पार्लियामेंट हाउस जो है उसमें लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया, और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं। उसके बाद जो मेंबर्स लोकसभा के अंदर इलेक्टेड होते हैं, जो हम लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो मेंबर्स वहाँ पे आएंगे वो 5 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। और अगर इन केस जो वो लोकसभा के मेंबर्स की बॉडी है 543 अगर डिसॉल्व ना किए गए हों प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट पूरी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, रिकमेंडेशन जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो रिकमेंड कर देते हैं कि लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जानी चाहिए, तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, तो लोकसभा के चैम्बर्स हैं जो संसद भवन दिल्ली में है, जैसे हम सब जानते हैं अभी नया संसद भवन भी बना है। अभी इसके लिए जो वोटिंग स्कीम है लोकसभा के मेंबर्स की, वो क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, सबको बहुत सारी सीट जो हैं एलोकेट की गई हैं कि इस स्टेट से इतने मेंबर आएंगे, इस स्टेट से इतने मेंबर आएंगे, पर कितने मेंबर आएंगे वो भी एक उनको डिसाइड करने का भी एक तरीका है। जो लोकसभा का इस तरह से तरीका है कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म डिवाइड किया गया है, सो दैट के मेंबर्स जो सिलेक्ट होंगे पॉपुलेशन के बेस पे होंगे। और जो ये प्रोविज़न है ये उसके लिए नहीं अप्लाई है होता, या एप्लीकेबल नहीं है उस स्टेट के लिए जिसकी पॉपुलेशन 6 मिलियन मतलब 60 लाख से कम है। तो पॉपुलेशन स्टेट की 60 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो सीट होती है हर स्टेट की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया था उसके हिसाब से सीट एलोकेट होती हैं हर स्टेट को। उसके बाद जो स्टेट है, स्टेट को भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। फर्दर एक स्टेट है, स्टेट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं, सो दैट वो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जो है वो भी पॉपुलेशन के बेस पे बनाई गई हैं कि इतनी पॉपुलेशन को मिला के उसके अंदर ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उसके अंदर से मेंबर डिसाइड किए जाते हैं कितनी सीट वहाँ पे होनी चाहिए, सो दैट के पूरी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उनको डिवाइड करने के बाद जाके बनाया जाता है कितने मेंबर इस स्टेट से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से होंगे। और ये जो बाउंड्री है, ये जो स्टेट है, स्टेट के अंदर एक स्टेट, हमारी हर स्टेट की एक बाउंड्री है। अब स्टेट के अंदर और बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से, तो वहाँ से वो मेंबर सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3 इसी हिसाब से किए जाते हैं। अभी आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरे चैनल को, सो दैट मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। अब जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, जो हम जिसको लोअर हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट का, जो हमने पहले बात की, इनकी वोटिंग होती है। जो हम जनरल इलेक्शन आगे जाके होने वाले हैं तो हमें पता है कि हम सब वोट करने के लिए जाते हैं। तो ये जो वोट करते हैं ये अडल्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया,
जैसा हमें पता है हमारे सबके वोटिंग कार्ड बने हुए हैं, उसके लिए एक एज जो है निर्धारित है कि 18 प्लस होना चाहिए तभी जाके उनकी वोटिंग कार्ड बनता है और वो जाके वोट कर सकते हैं, और उस कैंडिडेट को कर सकते हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जैसे स्टेट था स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी अडल्ट किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट कर सके, पर वो सिर्फ वोट कर सकता है अपनी ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, जो स्टेट है स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही जाके उसी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं जो कैंडिडेट वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हैं। और जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उनको जो मेंबर जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं MPs, और वो 5 साल के लिए रहते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग होती है उनकी, अगर इन केस अनटिल अगर वो बॉडी जो है मेंबर्स की प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर रहे, और प्रेसिडेंट सस्पेंड जैसे हमने पहले बात किया सजेशन किसकी लेते, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर उन्होंने सजेस्ट कर दिया कि ये बाउंड्री ये जो अपने बॉडी है सॉरी इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, तो पूरी की पूरी लोकसभा सस्पेंड हो जाएगी। और अब सस्पेंड हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा फिर मेंबर इलेक्ट होंगे चूज़ किए जाएंगे, और फिर दोबारा जाके जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर्स होंगे 50% से ऊपर उनकी गवर्नमेंट बनेगी। कई बार होता है किसी पार्टी के 50% नहीं होते, लेकिन रिसेंटली हमें पता है कि 2009 से लेके अभी तक बीजेपी के सबसे ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो गवर्नमेंट एक ही पार्टी की है, अदरवाइज कोएलेशन होता है, गठन टाइप का वर्ड जो यूज़ करते हैं वो होता है, उसके बाद फिर जाके एक गवर्नमेंट बनती है। अब इलेक्शन जो होते हैं हर 5 साल में होते हैं, और 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा जो लोअर हाउस है, 543 इसलिए टोटल 545 हैं और 543 के लिए इलेक्शंस होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे क्यों। अभी जो मैक्सिमम मेंबरशिप है वो है 552, और ओरिजिनली 1950 में ये 500 थी, उसके बाद जैसे बात हम कर रहे थे पॉपुलेशन बढ़ी कंट्री की, पॉपुलेशन बढ़ी तो सीट्स बढ़ानी पड़ी, तो सीट बढ़ाने के बाद अभी 543 हैं। और जो इलेक्शंस होते हैं 543 के लिए होते हैं, इलेक्टेड मेंबर रहते हैं 1952 से लेकर 1952 से 2020 तक, और जो दो एक्स्ट्रा मेंबर हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं जो प्रेसिडेंट हैं अपने इंडिया के, और रिकमेंडेशन किसकी होती है वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब कौन होगी जो मैक्सिमम जिनकी सीट्स होंगी लोकसभा के अंदर, जो कि ख़त्म कर दिया गया है, अभी पहले प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते थे बट अभी ख़त्म कर दिया गया है जनवरी 2020 में, और एक अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 एक्ट 2019, ये याद रखने वाली बात है। तो जब भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक चीज़ लिखी हुई है, अगर किसी को चेंज करना है तो एक अमेंडमेंट लाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स जो थे नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, बट अमेंडमेंट आया तो उसके बाद हटा दिए गए। और इसके अंदर एक और है कि जो टोटल सीट्स 131 सीट आती हैं जो 24% बनती हैं टोटल लोकसभा के मेंबर्स की, ये रिज़र्व हैं, रिजर्वेशन जैसे हम वर्ड सुनते ना, ये उनके लिए रिज़र्व हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं शेड्यूल कास्ट के, और 131 से 84 शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती हैं और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो ये 24% रिज़र्व है 131 सीट। और जो कोरम होता है, कोरम की हमने मैंने एक पिछले वीडियो बनाई थी आप देख सकते हो, कोरम जो है हाउस के अंदर 10% होता है पूरे लोकसभा के जितने मेंबर हैं, तो ये 10% के ऊपर कोरम डिसाइड होता है और जो लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स हैं मीटिंग है जो बिजनेस है स्टार्ट हो जाता है। और अगर इन केस लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई और फंक्शन जो है 5 साल तक करेंगे, कब टाइम कब से स्टार्ट होगा, जो इनकी फर्स्ट मीटिंग होगी लोकसभा के अंदर जाके फर्स्ट मीटिंग होगी उस डेट से लेके 5 साल तक ये मेंबर्स रहेंगे,
और इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती क्लॉज कि अगर इमरजेंसी आ जाती है स्टेट के अंदर, मींस इंडिया के अंदर, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, स्टेट इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि पीरियड जो है लोकसभा का एक्सटेंड कर दिया जाता है, एक्सपेंड कर दिया जाता है। और उसका भी एक लॉ है जो कि प्रेसिडेंट करते हैं 6 मंथ के लिए, उसके बाद फिर 6 मंथ के लिए, तो ऐसे करके करते हैं अंटिल एमरजेंसी ख़त्म ना हो जाए। तो पार्लियामेंट हाउस का लॉ है वो। अब इसके अंदर लोकसभा जो है, हमें पता, संसद भवन दिल्ली में बैठती है, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हम, तो उनका एक चैनल भी है लोकसभा का, और लोकसभा टीवी बोलते हैं, जो पार्लियामेंट का फाउंडेशन हेडक्वार्टर वहीं पे ही है उसका, तो जहाँ पे वो कार्रवाई चलती रहती है उसको एक नेशनल टेलीविज़न पे दिखाया जाता है कि क्या क्या कार्रवाई चल रही है वहाँ पे। अभी अगर मान लो कोई लोकसभा के अंदर इलेक्शंस के लिए खड़ा होना चाहता है या फिर नॉमिनेट करता है अपने आप को, तो इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं हर कोई नॉमिनेशन के लिए नाम डाल सकता है। अगर उनको कोई पार्टी, जितनी पार्टी हैं अपने इंडिया के अंदर, अगर वो उनको सेलेक्ट करती हैं कि हाँ आप नॉमिनेट कर सकते हो, उनको नॉमिनेट करते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं वो हम बात करेंगे। जो आर्टिकल 84 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और बाकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेंबर बनने के लिए लोकसभा का, जो के हैं हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की। सिटीजनशिप इंडिया की जो है वो हम एक और वीडियो बनाएंगे किस किस बेस पे होती है। और जैसे वो सेलेक्ट हो गए, इलेक्ट हो गए, उसके बाद प्लेज लेंगे, जैसे ऑथ लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद जाके वो मेंबर बनेंगे इस इंडिया की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और लोकसभा के। उसके बाद उनकी एज जो है वो 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 25 एंड अबव होनी चाहिए। और उनकी और भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि जो लॉ है पार्लियामेंट हाउस के अंदर, लॉ में जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर लॉ बनाए गए हैं, तो वो कुछ क्वालिफिकेशन और भी होती हैं वो होनी चाहिए। और उनके ऊपर जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के बनेंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए उस टाइम पे, और कोई कन्विक्टेड नहीं होने चाहिए, और वेरीफाइड डेबिटर नहीं होने चाहिए, और जो कैंडिडेट जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए मेंबर्स के लिए अपना नाम देंगे, उनको नाम इलेक्ट्रोल रोल में अपना नाम देना होगा किसी भी कंट्री के किसी भी एरिया में जहाँ से वो लड़ रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी किसी स्टेट का है, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन में जाके उसकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे अपना जाके रोल्स करवा सकता है अपने आप को। तो अभी कंक्लूज़न क्या रहता है, कंक्लूज़न हम निकालते हैं, जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके बारे में जो हमने बात करी कि लोकसभा और राज्यसभा दो इंडिया के बाईकैमरल पार्टी पार्लियामेंट हाउस है। बाईकैमरल अभी हम बात करते हैं कि बाईकैमरल इसलिए है कि कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी बिल आएगा, कोई भी अमेंडमेंट आएगा, तो जो एक सभा जो है वो डिसाइड नहीं करेगी, दोनों करेंगे उसको, दोनों सभा में, दोनों हाउस में, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में पास होगा, उसके बाद जाके वो बिल बनेगा या फिर अमेंडमेंट आएगा। तो इसका मतलब बाईकैमरल होता है। जैसे अपने स्टेट में भी कई कई स्टेट हैं जहाँ पे बाईकैमरल है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं, 22 स्टेट्स, उनमें यूनिकैमरल है, मींस एक एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा है, विधान परिषद जो है वो 6 स्टेट्स हैं उनके अंदर है, वहाँ पे बाईकैमरल है, बाकी जितनी भी अपनी स्टेट्स हैं वो यूनिकैमरल हैं। और यहाँ पे स्टेट, कहीं कहीं इंडिया को भी स्टेट ही बोला जाता है। जो लोकसभा है, जो लोअर चैम्बर है, हाउस ऑफ द पीपल जैसे कि हम जानते हैं पार्लियामेंट का, और राज्यसभा जो है अपर चैम्बर है। तो मेंबर जो लोकसभा के होते हैं जनरल इलेक्शंस के द्वारा होते हैं, जो अभी हम होने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और
शेयर और बेल आइकन दबा सकते हैं, सो दैट ऐसी हम वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।